तो दोस्तों फिर एक बार आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही अल्टीमेटली मॉडिफाइड कस्टम बाइक जो कि दिखने में बहुत ज्यादा किलर है। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी बाइक के बारे में। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस डिटेल में घुसने से पहले इसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। ये है यामाहा RX 100 1998 मॉडल, जिसको हमने मॉडिफाई करके बनाया है एक मोटो क्रॉस बाइक में, जो की दिखने में काफी ज्यादा किलर है, काफी बैड एस लुक आ रहा है। मतलब इसको किसी भी एंगल से देख लो आप, बहुत ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है। एक बार यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहली बात आपको बता दूं, इसका इंजन जो है एकदम ओरिजिनल है, चेसी ओरिजिनल है, उसके अलावा सब कुछ चेंज है कंप्लीट। तो फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, इसकी प्राइसिंग क्या, और अगर आपको ऐसी एक बाइक बनवानी है तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इसके मेन चीज से, जो कि है इसका बॉडी किट। मतलब इसका बॉडी किट ही इसकी जो एक ऐसी चीज है जिससे आपको इस गाड़ी की तरफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो आपको मेन बात बता दूं कि इसका सिर्फ इंजन और चेजेस जो है वो ही यामाहा RX 100 की है, उसके अलावा कंप्लीट चेंज है। सबसे पहले जो बॉडी किट है विद टैंक एंड विद हेडलाइट, ये कंप्लीट आफ्टर मार्केट है, जो कि मंगाया हुआ है दिल्ली से, कहीं और से भी मंगा सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग आई है 10,000 रुपीज की, और उसको इस बाइक के अंदर फुल्ली सेटअप किया गया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इंजन जो है ऊपर उठाया हुआ है ताकि बाइक को एक अच्छा सा लुक मिले मोटोक्रॉस वाला, और नीचे भी काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए। तो अगर नॉर्मली बात करें तो इंजन जो है वो 5 इंच नीचे होता है, इसको 5 इंच ऊपर उठाया हुआ है। चेजेस एकदम नॉर्मल रखा हुआ है, बस थोड़ा सा उसमें कस्टमाइजेशन किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर एक लोहे का स्ट्रिप सा लगाया हुआ है, जिससे अगर ये बाइक कीचड़ उछालती भी है तो भी इसके ऊपर लगे, इंजन को कोई हार्म ना हो। उसके बाद आपको यहाँ से दिख रहा होगा एग्जॉस्ट का पाइप जो है वो यहाँ से निकाल के यहाँ पीछे लगाया हुआ है, एकदम मोटो क्रॉस लुक आता है इससे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फाइबर बेल्ट लपेटा गया है, उसके बाद में यहाँ पर एक आफ्टर मार्केट कवर लगाया हुआ है ताकि अगर कोई राइडर यहाँ पे बैठेगा तो उसके पाँव में लगे नहीं। और उसके बाद में यहाँ से एग्जॉस्ट का पाइप आके यहाँ पर एग्जॉस्ट का मफलर लगा हुआ है, जो की एकरा प्रोविक का रेप्लिका, काफी ज्यादा अच्छा एग्जॉस्ट नोट है इसका, जो की मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। फिर बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी सीट जो है वो भी बॉडी किट के साथ में ही आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है, आप चला सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है टैंक का गैस कैप, ये जो फ्यूल टैंक है ये है 5 लीटर का, यस गाइस ओनली 5 लीटर, तो ये एक चीज है जिसपे आपको थोड़ा सोचने को मिल सकता है। यहाँ पर दे रखी है एक छोटी सी हेडलाइट जो की काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, साइड में यहाँ पर दे रखी है फेयरिंग छोटी सी जिससे भी काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है, एंड यहाँ पर है एक मड गार्ड जो की काफी ज्यादा बड़ा है, और देखा जाए तो इसको काफी ऊपर लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से इसका मोटोक्रॉस वाला लुक आता है। उसके बाद अगर मैं हैंडल की बात करूं तो ये हैंडल जो है आफ्टर मार्केट है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कहीं पर भी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 स्विचेस दे रखे हैं, तो ये वाला जो स्विच है ये किल स्विच का काम करता है। जब आपको पता होगा कि बाइक्स में किल स्विच होता है, अगर ऑन करते हो तो ही गाड़ी ऑन होती है इग्निशन ऑन करने के बाद में। उसके बाद ये वाला जो स्विच है इससे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। मेन अगर मैं आपको इग्निशन की बात बताऊं तो उसका कोई यहाँ पर स्लॉट नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक छोटा सा की होल दिया हुआ है जिससे गाड़ी का हैंडल लॉक हो जाता है। तो यस गाइस ये गाड़ी बिना चाबी के ऑन हो जाती है, बस यहाँ पर जो की होल है वो इस गाड़ी के हैंडल लॉक के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा आप सिंपली यहाँ से गाड़ी को ऑन करो, किक मारो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस में मिलते हैं हमको इसके बहुत बड़े बड़े टायर्स, जिनकी साइज अगर मैं आपको बताऊं तो 318/52R, एंड पीछे वाले का भी एग्जैक्ट सेम है। एंड गाइस ये टायर जो है यहाँ नहीं मिलते हैं, भैया ने बाहर से मंगवाए हैं जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रही होगी डिस्क ब्रेकिंग जो की RX 100 में नहीं आती है। तो गाइस ये जो ब्रेकिंग है आगे वाली एंड पीछे वाली दोनों पल्सर से उठाई हुई है, क्योंकि पल्सर के ब्रेक्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी भारी भी होते हैं, इसलिए इसमें पल्सर की ब्रेकिंग लगाई गई है, क्योंकि पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एयर फिल्टर दिख रहा होगा जो कि काफी छोटा सा है, ये भी आफ्टर मार्केट लगाया गया है। तो अब एक बार आपको गाड़ी पे बैठ के बताता हूँ, तो गाड़ी पे बैठ के काफी मजा आ रहा है, मैं एकदम हाइट पे फील कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी की थोड़ी सी हाइट है, मेरे भी पांव थोड़े से ऊपर, सीट हाइट काफी ज्यादा है बाइक की, आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं चेन स्प्रॉकेट चेन, और ये जो पूरा सेट है ये भी पूरा पल्सर का ही उठा के लगाया है। तो जैसा की मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मोटा मोटा की इंजन और चेजेस सिर्फ ये बाइक के, उसके अलावा बाकी सब कुछ चेंज है, बाकी सब कुछ मॉडिफाइड है एकदम। गाड़ी को सिर्फ दिखाने में ही नहीं चलाने में भी वैसा बनाया गया है। एक और बात गई, इस गाड़ी में सिर्फ 5 लीटर का टैंक है, एंड उसके अलावा इस गाड़ी में ज्यादा माइलेज भी नहीं है, तो इस गाड़ी को सिर्फ लुक और थोड़े शौक के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार ऐसी बाइक बनाएंगे जो माइलेज ही नहीं देगी तो फिर हमारे किस काम की। तो गाइस ये सारी चीजें जो है ये शौक के लिए होती है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि आपके पास में एक ऐसी बाइक है और उसको आप चला रहे हैं। अगर आपके पास में ऐसी गाड़ी है तो आप माइलेज नहीं देखते हैं और आपको देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग एक ऐसी गाड़ी ओन करते हैं तो आप लोगों को माइलेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो मोटा मोटा मैंने सब कवर कर दिया, बस एक लास्ट
लास्ट चीज बची है जो कि है इसका कलर। तो गाइज इसका कलर है आर्मी ग्रीन। तो ये जो पूरा बॉडी किट इसमें लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप फेयरिंग देख सकते हैं, यहाँ के फेयरिंग देख सकते हैं, ये मडगार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वाइजर देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है प्लास्टिक की है एंड व्हाइट कलर में आई थी विदाउट एनी ग्राफिक्स। पहले गाड़ी पेंट हुई है उसके बाद में इस पे ग्राफिक्स लगे, जो कि आप अपने मनपसंद लगा सकते हैं। अब क्योंकि यामाहा RX 100 थी तो फिर यहाँ पर यामाहा का स्टिकर लगा है और थोड़े बहुत स्टिकरिंग्स यहाँ लगी है, यहाँ पर 007 का लगा है, यहाँ पर गोस्ट राइडर का लगा है, वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। शॉकर्स को थोड़ा सा ऊपर किया गया एंड यहाँ पर एक यामाहा की छोटी सी ब्रांडिंग दी गई है जो भी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। एंड गाइस गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी पड़ी है क्योंकि मोटोक्रॉस और एडवेंचर टाइप की जो बाइक्स होती है वो गंदी ज्यादा अच्छी लगती है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गाली मत देना कि यार गंदी गाड़ी का वीडियो क्यों बना रहे हो। एंड गाइस जो ओरिजिनल गाड़ी थी उसी के नंबर प्लेट और नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे की साइड में एंड आगे की साइड में वाइजर के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर कोई टेल टाइडी वाला सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर एक अलग से छोटी सी नंबर प्लेट दी गई है। तो लीगल वाली जो फॉर्मेलिटीज है वो भैया एक बार खुद अपने मुंह से बताएंगे थोड़ी देर में, उससे पहले मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट है इसका। तो अब इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले ली जाए। ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, मतलब मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो मेरा राइड एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। गाड़ी काफ़ी हाइट पे थी तो चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ मैं कह सकता हूँ स्मूथनेस इतनी नहीं है बाइक में क्योंकि 4 गियर है और 100 cc है, बट चलाने का मज़ा ही कुछ और था। एंड गाइस सच बताऊँ तो जो इसका रोड अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग आपको इस गाड़ी में तो मुड़ के पक्का देखेंगे। तो गाइस ऐसा कुछ ओवरव्यू एंड रिव्यू था मेरा इस गाड़ी के बारे में। अब एक बार मैं आपको मॉडिफायर से मिला देता हूँ जो आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे और आपको हाँ कॉन्टैक्ट करना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लीगैलिटीज। तो चलो उनसे बात करते हैं। तो ये शहीद भैया जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सी बाइक बनाई, तो सबसे पहले तो भैया आपको बधाई, आपने इतनी बहुत प्यारी सी बाइक बनाई है। थैंक यू सर। पीछे इनकी शॉप है सोजत ऑटो रिपेयर। तो भैया सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ कि इस बाइक को बनाने में टाइम कितना लगा और पैसे कितने लगे? मेरे को तो बनाने में 2 साल लगे हैं, पर्सनल बाइक है मेरी तो सारे काम छोड़ के बनानी पड़ती है और कस्टमर की हो तो जल्दी बना के देते हैं, 2 महीने में कम्प्लीट हो जाती है। 2 महीने में, मतलब कस्टमर की 2 महीने में हो जाएगी? कस्टमर की 2 महीने में, कस्टमर के लिए करीबन 60,000 रुपये लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 60,000। तो अगर आपको ऐसी बाइक बनवानी है तो आपको 2 महीने और 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ऐसे भैया कौन सी बाइक बना सकते हैं? ये तो RX है, और कौन सी भी बना सकते हैं? कोई सी बाइक पे डिजाइन हो जाता है, MX 100 स्प्लेंडर सब कुछ, इंजन वही रहता है। अच्छा तो भैया इंजन से याद आया कि लीगैलिटी की बात अपन ने करी थी, उसके बाद आप क्या बताना चाहोगे इन लोगों को? लीगल बॉडी पार्ट अपन सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इंजन और चेसिस से जो लीगल रहते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं RTO से, वो पुराने ही रहने चाहिए, ठीक है, उससे गाड़ी लीगल रहती है। तो सिर्फ इंजन और चेसिस रखनी पड़ेगी, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। चलो तो ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत आपने टाइम दिया अपना अपने काम छोड़ के इस बाइक को देने के लिए। तो गाइज एक लाइक बनता है इस बाइक के लिए और भैया के काम के लिए, और भैया के नंबर यहाँ पर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कुछ भी हो तो इनसे बात कर सकते हैं। और ये गाड़ी इनकी पर्सनल है, मैं पहले ही बता दूं, किसी कस्टमर के लिए नहीं बनाई है। तो अगर आपको कभी ये बाइक यहाँ पर इन बाइक्स के पास में खड़ी दिख जाए तो आप एक बार बात कर सकते हो, मेरा नाम ज़रूर लेना, भैया आपको डिस्काउंट ज़रूर दे देंगे। तो चलो थैंक यू भैया, बहुत हेल्प कर दी आपने, वापस मिलते हैं जल्दी आपको ऐसी बाइक बनाते हो तब। थैंक यू सर।